हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरंच ब्लॉग। मेरा और एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सबको ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में जो है डोसा, मिनी डोसा बना रही हूँ बहुत ही इजीली। और इसमें पनीर डाल के मैं बनाऊंगी। पहले मैं बादाम जो है फ्राई करके रख दी हूँ। अभी मैं देखिए कढ़ाई में तेल डाल के अदरक कुछ ही डाल दी थी। अदरक अच्छे से हो जाने के बाद मैं यहाँ पे मटर भी डाल दी हूँ। मटर भी अच्छे से हो जाने के बाद इसमें मैं कुछ मसाला ऐड कर दूंगी, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काश्मीरी मिर्च के पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला मिर्च के पाउडर डाली हूँ। सारा मसाला एक साथ अच्छे से मिला लूँगी। देखिए मसाला अच्छे से हो गया है। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पत्ता डाल दूँगी। अच्छे से मसाला को भून लूँगी। और ये इसमें मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं धनिया पत्ता भी डाल दी हूँ। अभी देखिए मसाला अच्छे से हो गया है। अभी मैं बॉईल किया हुआ आलू डाल दी हूँ और ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं पनीर भी डाल दे रही हूँ, ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दे रही हूँ। सारा कुछ एक साथ मिला लेंगे। इससे पराठा भी ये बहुत बढ़िया बनता है, समोसा भी बहुत बढ़िया बनता है। मतलब इस तरह का पूड़ बना लेंगे ना, बहुत सारे डिशेस बन जाता है। तो आज तो मैं मिनी डोसा बना रही हूँ बहुत ही इजीली और बहुत ही झटपट बन जाता है। और आज हस्बैंड जी भी वापस आ जाएंगे। मैं नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बनाते बनाते मेघा के पापा आ गए थे। कुछ कुछ चीज़ें जैसे बिना प्याज लहसुन का भी बहुत बढ़िया बनता है। और बच्चे तो एकदम शौक से खाते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। साउथ इंडियन, साउथ का जो डिशेस होते हैं ना, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें मैं प्याज लहसुन डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि निरामिष दिनों में इस तरह से अगर बनाते हैं ना, थोड़ा सा पनीर डाल के इस तरह के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेघा के लिए मैं रेडी कर दे रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मेघा नाश्ता करके ट्यूशन चली जाएगी, इसीलिए मेघा को पहले दे रही हूँ। अनाया भी उठ गई है क्योंकि उसके पापा आए थे ना, तो क्या क्या लाए हैं नहीं लाए हैं ये सब देखने के लिए वो भी उठ गई है। तो बातें कर रही थी, सब फ्रेश हो रहे थे। तो मैं अभी चाय भी बिठा दूंगी और नाश्ता भी फटाफट बना ले रही हूँ क्योंकि नाश्ता करने के बाद मेघा के पापा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरी रात जो है ना ट्रेन में आए हैं तो जगे हुए थे। तो इसके वजह से नाश्ता करके मैं क्या बोलती हूँ, इस तरह काम के लिए अगर जाते हैं ना तो मैं बोलती हूँ कि नाश्ता कर लीजिए, चाय पीने के बाद नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद रेस्ट करिएगा एक साथ। तो ज़्यादा देर तक रेस्ट कर पाएंगे, उससे अच्छा रहेगा, तबीयत भी ठीक रहेगा। और मेरा तो गला बैठ गया है, बहुत सर्दी जुकाम हुआ है। मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाई थी, 2 दिन बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये भी बन के रेडी हो गया है। तो मैं टिफ़िन भी रेडी कर दूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए ना, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और इस समय तो तरह तरह का क्या बनाए नहीं बनाए तो अभी तो सोच के बनाना पड़ता है। तो मेघा अनाया का तो मैं नाश्ता दे दी हूँ, मेघा अभी ट्यूशन भी चली गई है। और यहाँ पे देखिए मैं ये हस्बैंड जी के लिए नाश्ता परोस दे रही हूँ क्योंकि नाश्ता करके तभी रेस्ट कर। यहाँ पे देखिए मैं नहा के पूजा करके रेडी होकर मैं बाहर आ गई हूँ। ये मैं दवाई लेने के लिए आई हूँ। मेरे के पापा बोले थे कि पहले दवाई लेकर आते हैं, उसके बाद दूसरा काम करिएगा। तो दवाई लेने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश शुरू हो गया था। तो बारिश में ऐसे तो तबीयत खराब है, तो बारिश में भीगते हुए घर नहीं जाना था, इसीलिए 1.5 घंटा तक हम लोग रुके हुए थे। कभी बारिश बंद होगा ये इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं बंद हुआ था तो हम लोग भीगते भीगते आ गए थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो भीगते भीगते ही आ गई हूँ क्योंकि दोपहर का खाना अभी तक नहीं बनाई हूँ। मैं नाश्ता करके ही चली गई थी। तो सुबह ही जब हस्बैंड जी आए थे तब बोले कि 2-3 दिन से ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए दवाई लेकर आते हैं। तो दवाई लेने चले गए थे तो नाश्ता करने के बाद, हाँ दवाई लेके जब आ रहे थे, मतलब लेना ही जब हुआ तभी बारिश शुरू हो गया, वो भी जोर जोर से शुरू हो गया था। तो मैं हम लोग सोचे कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो रुके हुए थे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया तभी भी बारिश बंद नहीं हुआ।
तो थोड़ा सा से कम हुआ था, लेकिन बारिश हो रहा था। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके वजह से मैं सोची कि रुक जाते हैं, लेकिन जब नहीं रुका, इतना देर हो गया, तब मेघ आना भी आ जाएगी, खाना बनाना है घर में आकर, तो इसके वजह से मैं चली आई हूँ। और हस्बैंड जी आज काम के लिए बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे, तो मैं तो सब तैयारी करके ही गई थी, सिंपल सा ही लंच बनाऊंगी। और हस्बैंड जी आज मेरे लिए कुछ स्पेशल भी लेकर आए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं सोची थी और आज और कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सोची कि शेयर कर देती हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होने वाला है, देखिए यहाँ पे देखिए दो पैकेट बड़ी लाए हैं, ये उड़द दाल का बड़ी है, तो वही दो पैकेट लेकर आए हैं। और यहाँ पे किशमिश, काजू, ये फ्राइड काजू है। और यहाँ पे खजूर भी लाए हैं एक पैकेट, और ये नमकीन लाए हैं, ये ना तीखा नहीं होता है, अनाया को बहुत पसंद है, तो यही लेकर आए हैं। और ये देखिए ये कितना सुंदर है ना, ये लेकर आए हैं, राखी का प्लेट है, कैसा है देखिए, ये राखी का प्लेट है, बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत दिखने में है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर है ना, देख सकते हो। लाइट नहीं जल रहा था, मैं चेक नहीं की थी, देखिए यही लेकर आए हैं, कितना सुंदर है ना। मेघाना या राखी बांधती है ना एक दूसरे को, इसीलिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे देखिए अनाया के लिए ये पेंसिल बॉक्स लाए हैं, अनाया बोल रही थी मेरे लिए क्या लाएंगे पापा, मेरे लिए क्या लाएंगे, मेघा भी बोल रही थी, अभी तो छोटे छोटे हैं ना, तो कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं दोनों कि क्या लेकर आएंगे, ज़्यादातर अनाया बोलती है। ये देखिए ये पेंसिल बॉक्स लाए हैं, और मेघा के लिए ये पेंसिल पाउच लाए हैं। और ये देखिए ये पेन लाए हैं, मेघा अनाया अभी दोनों ही पेन से लिखते हैं, और अनाया का अभी बॉल पेन हो गया है, स्कूल में भी इस्तेमाल करती है बॉल पेन, तो इसीलिए ये पेन एक पैकेट लेकर आए हैं, देख सकते हो कितना सुंदर देखने में है ना, बहुत अच्छा लगा। मेघा अनाया को भी बहुत बहुत पसंद आया, जब सुबह ही लेकर आए थे ना, तो मेघा अनाया दोनों ही खोल के देख ली थी। ये पेन लेकर आए हैं, और ये देखिए ये साटे स्टिक है, जैसे पनीर साटे ये सब बनाने के लिए काम आता है, तो ही उनको मिल गया था, मतलब दुकान में, जिस दुकान में गए थे उसके बगल वाले दुकान में मिल रहा था, तो लेकर आए हैं, तीन पैकेट लेकर आए, छोटे बड़े सब मिला के। और मेघा एक वाटर कलर के बारे में बोली थी, यहाँ पे ना ये वाला कलर 12 तक ही मिलता है, और जहाँ से लेकर आए हैं वहाँ पे भी सारे दुकान में 12 कलर तक ही मिलता है, लेकिन ये एक दो दुकान में मिलता है, तीन चार दुकान घूम घूम के उसके बाद ये कलर मिला है, लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर है। और मेघा अनाया दोनों ही कलर करती है, और मेघा तो अभी इस वाटर कलर से कलर करती है, लेकिन अनाया अभी नहीं कर रही है, तो ये मेघा के लिए अभी तो लेकर आए हैं। और ये देखिए ये वाला चॉकलेट भी लेकर आए हैं, और एक चीज मेरे लिए लेकर आए हैं, मेरे लिए ये देखिए दोनों, दो राखी भी लेकर आए हैं दोनों के लिए, इतना प्यारा है ना, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये दोनों राखी लेकर आए हैं, कितना सुंदर है ना। और एक चीज़ मेरे लिए लेकर आया है, मैं तो, मुझे तो बहुत पसंद आया है, एक्चुअली मैं बोली थी लाने के लिए, लेकिन इतना सुंदर लेकर आएंगे मुझे पता ही नहीं था, इतना सारा मैं तो नहीं बोली थी, एक्चुअली मैं नहीं पहनती हूँ, तो इसके वजह से मैं कभी नहीं, लेकिन सबको ये अभी पहन रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोली थी कि अगर मिलता है तो लेकर आइएगा। तो देखिए देखिए ये दुकानदार ने ही बना कर दिए हैं सेट,
और मुझे भी उतना ये सब बैंगल्स चूड़ी ये सब के बारे में पता नहीं है। मैं तो हमेशा ये शाखा वाला पहन के रहती हूँ और ज़्यादातर मैं जो कंगन होता है एक एक गोल्डन कलर का वही सब पहनती हूँ। और ये सब कोई अभी पहन रहा है ना, तो इसके वजह से मैं बोली थी कि लेकर आइएगा, लेकिन इतना सुंदर लेकर आएंगे मुझे पता ही नहीं था। मुझे बहुत पसंद आया, इतना अच्छा लगा, क्या बताएं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं कभी अभी तक मतलब इतना ज़्यादा चूड़ी मैं नहीं पहनी हूँ, पहली बार पहनूंगी। मैं पिछले साल जब नवरात्रि हुआ था तब मैं रेड कलर का चूड़ी ली थी, उस समय पहनी थी, लेकिन उसके बाद खोल के रख दी थी। लेकिन इस बार सब कोई ग्रीन चूड़ी पहन रहा है, तो मैं बोली कि लेकर आइएगा, ये महीने में ग्रीन कलर का चूड़ी साड़ी सब अच्छा रहता है। तो मैं बोली थी लेकर आइएगा ग्रीन कलर का, लेकिन इतना सुंदर लेकर आएंगे पता ही नहीं था। और इतना सारा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जैसे ये सब मतलब मैं मुझे तो बहुत ये वाला चूड़ी बहुत पसंद आया। और ये सेट ना दुकानदार ने बना कर दिए हैं, उन्होंने बोला था कि सेट बना कर दीजिए। ऐसे तो प्लेन चूड़ी मैं जब पिछली बार नवरात्रि में खरीदी थी ना, तब मैं प्लेन एकदम रेड कलर का चूड़ी खरीदी थी, तो उसके बाद और मैं कभी चूड़ी नहीं खरीदी हूँ, लेकिन ये पहली बार है। मेघा के पापा को बोले थे तो उन्होंने लेकर आया है कि अगर हो सके तो लेकर आइएगा, काम खत्म हो जाए तो छोटा मोटा चीज तो लेकर आते ही है, तो ये लेकर आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा हुआ है। और अभी तो बाहर बारिश भी हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये सब काल का कपड़ा है, सब सूख गया है, तो इसको मैं अभी फोल्ड करूंगी। और ऊपर देखिए, काल का मतलब ये परसों का कपड़ा है, काल दिन भर घर पर ही था, सूखा है, उसके बाद काल का जितना सारा कपड़ा है इस रूम में और उस रूम में रखा दी हूँ। अभी इसको फोल्ड करके रख दूंगी। और अभी कपड़ा में ना कम्फर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छे से खुशबू आता है, और पंखा चलता है तो सूख भी जाता है, तो इसके वजह से ना बरसात के दिनों में मैं कम्फर्ट इस्तेमाल करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।